सभी को नमस्कार। पीपल्स प्लान अभियान के महीनों के प्रशिक्षण के बाद हमने सीखा है कि वीपीआरपी योजना तैयार करना एसएचजी और ब्लॉक के अधिकारियों की एक साझा जिम्मेदारी है। आज जब मैं बीएमएमयू ऑफिस गई तो मैंने सीखा कि यह अभियान एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया है और प्रस्तुत मांगों की जानकारी एमआईएस डैशबोर्ड के एक भाग के रूप में उपलब्ध है। एमआईएस को नियमित रूप से ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट्स द्वारा अपडेट किया जा रहा है और जैसे जैसे हम अपनी मांगों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, हम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रस्तुत मांगों की स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन दीदी, यह वीपीआरपी एमआईएस क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? वीपीआरपी एमआईएस एक ऑनलाइन प्रणाली है जिसे तैयार की गई योजनाओं, लोगों की भागीदारी, ग्राम सभाओं और योजना तैयार करने की प्रक्रिया के विभिन्न विवरणों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसे प्रत्येक ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला, राज्य और पूरे देश के लिए देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए हम फुलेरा ग्राम पंचायत में बैठे हुए अपने पड़ोसी गायघाट ग्राम पंचायत या देश के किसी भी अन्य हिस्से में योजना की तैयारी के विवरण को समझ सकते हैं। क्या हम इसे देख सकते हैं दीदी? हाँ बिल्कुल, आइए इस पर एक नजर डालें। इस डैशबोर्ड में हम जैसे लोग उन सभी राज्यों के जीपी में एसएचजी और वीओ देख सकते हैं जिन्होंने वीपीआरपी प्रक्रिया में भाग लिया था। यहाँ जब मैं एक राज्य का चयन करती हूँ, उदाहरण के लिए आसाम, और नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो मैं वीपीआरपी तैयारी की प्रक्रिया का संपूर्ण ओवरव्यू एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा प्रत्येक वीपीआरपी के भाग में अपलोड किया गया डेटा देख सकती हूँ। ओह ठीक है दीदी, क्या उनकी प्रक्रिया भी हमारे जैसी ही थी? क्या हर राज्य में कुछ महिलाएं हैं जिनके प्रत्येक पंचायत में प्रक्रिया में मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था? बिल्कुल, इसमें एसएचजी और वीओज में प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक स्थानीय संसाधन व्यक्ति की आवश्यकता थी। इसके लिए हर राज्य ने लोगों को पहचाना और प्रशिक्षित किया। डैशबोर्ड के इस हिस्से पर हम एक नजर डाल सकते हैं ताकि प्रत्येक राज्य में कितने कैडर को ट्रेन करना था और कितनों को किया गया उसके आंकड़े हम देख सकते हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि किसी भी राज्य के नाम पर क्लिक करने पर आप उनके प्रतिशत उपलब्धि को भी देख सकते हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे परिवार के किसी सदस्य को इस प्रक्रिया के बारे में बताया गया था? मैं आपकी दुविधा समझ सकती हूँ। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वीपीआरपी सहभागी है, प्रत्येक एसएचजी में मांगों के संग्रह के लिए प्रत्येक वीओ में एक अनुसूची बनाई जाती है। इस योजना के साथ सदस्य पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी रखते हैं और उन्हें निर्धारित तिथि पर भाग लेने के लिए कहा जाता है। इस अभ्यास को कॉन्सेप्ट सीडिंग कहा जाता है। जब आप किसी राज्य के नाम पर क्लिक करते हैं तो आप हर जिले और ब्लॉक में एसएचजी और वीओ में कॉन्सेप्ट सीडिंग हुई है या नहीं देख सकते हैं। ठीक है दीदी, अपडेट होने के लिए हमारे पास कुछ और योजनाएं बची हैं। क्या यह जानने का कोई तरीका है कि हमारे ब्लॉक या राज्य में अब तक कितना अपडेट किया गया है? हाँ सर, यदि आप प्लान अपडेट डैशबोर्ड पर जाते हैं और अपना राज्य चुनते हैं तो आप अपडेशन का प्रतिशत देख सकते हैं जो अब तक हुआ है। उदाहरण के लिए आपके राज्य में 87% हकदारी योजना को अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि राज्य भर की योजनाओं का 13% अपडेशन होना बाकी है। इसी तरह आप योजना के अन्य सभी भागों के लिए अपडेशन देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप यह देखना चाहते हैं कि किस पंचायत को अभी तक अपनी योजना का अपडेट करना है तो आप जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का चयन कर सकते हैं और स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। रोशनी दीदी, आप दीदियों को यह भी दिखा सकते हैं कि हम वीपीआरपी के उन आंकड़ों को कैसे देख सकते हैं
जो ग्राम सभा में प्रस्तुत किए गए थे। जीपी में आयोजित प्रत्येक ग्राम सभा में वीपीआरपी की प्रस्तुति देखी। भागीदारी के साथ ग्राम सभा की तारीख भी पोर्टल में दिखाई गई। हाँ सर, ये डेटा व्यवस्थित रूप से डैशबोर्ड में है, जहाँ प्रत्येक ग्राम पंचायत के डेटा को देखा जा सकता है। हमारे साथ यह सारी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दीदी। हम इस लिंक की जांच करते रहेंगे और अपनी उपलब्धियों को संपूर्ण 100% तक लाने का प्रयास करेंगे।